देख सकते हैं आप, आज यहाँ मेगा कोविड 19 वैक्सीनेशन कैंप दिल्ली सरकार द्वारा लगाया गया है द्वारका सेक्टर 10 में, और बहुत भीड़ है यहाँ पर कोरोना से बचने के लिए, टीकाकरण लगाने के लिए। कोवैक्सीन है और कोविशील्ड है, दोनों ही प्रकार की यहाँ पर वैक्सीनेशन दिया जा रहा है, और दोनों डोज फर्स्ट एंड सेकंड दोनों का पूरा उचित प्रबंध है। द्वारका सेक्टर 10 की रामलीला ग्राउंड में ये कार्यक्रम बड़े ही शान और शौकत से किया जा रहा है। बहुत सारे लोग यहाँ पर वैक्सीनेशन के लिए, लगवाने के लिए आए हैं, और ये अपने आप में एक बहुत ही अच्छा है कि सब लोग जागरूक हैं वैक्सीनेशन लगवाने के लिए। सब लोग जागरूक हैं और सब चाहते हैं कि हम किसी न किसी तरीके से इस कोरोना महामारी से बचें, और जिस तरीके से पूरे देश को, दुनिया को जागरूक किया गया वैक्सीनेशन के प्रति कि आप कृपया ज़रूर सभी लोग वैक्सीन लगवाएं, तो आज यहां पर बड़े जनसैलाब उमड़ा द्वारका सेक्टर 10 के रामलीला ग्राउंड में, जिसका आयोजन किया दिल्ली सरकार द्वारा, SDM द्वारका द्वारा, DM मजिस्ट्रेट जो हमारे साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट है इसके द्वारा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हज़ारों की तादाद में आज वैक्सीनेशन का कैंप जारी है, लोग आ रहे हैं और वैक्सीन लगवा रहे हैं। द्वारका में मेगा कोविड 19 वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सैकड़ों की तादाद में आज यहाँ पर वैक्सीनेशन किया जा रहा है। दिल्ली सरकार का ये एक अनूठा प्रयोग है, और मुझे लगता है कि कोरोना से बचने का, कोरोना से बचाव का ये एक बहुत बेहतरीन उपाय है दिल्ली सरकार द्वारा। और जैसे कि दिल्ली में अब बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार चल रहा है, 2 करोड़ से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेशन हो चुका है, और इसके बाद निश्चित रूप से ये आज 11 ज़िलों में दिल्ली में मेगा कोविड 19 कैंप लगाया जा रहा है। और जी द्वारका सेक्टर 10 में मैं यहाँ मौजूद हूँ, और यहाँ बड़े ही खूबसूरत तरीके से, बड़े पैमाने पर यहाँ पर ये लगाया गया। दोस्तों, मैं इरफान रही कुतुब मेल के लिए, खुदा सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।